इस वक्त मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, आज कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस इन नम्स, नम्स के पास पेपर की बुक भी मेरी बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला मार्केट में आने वाली है। 70 मार्क्स बायोलॉजी के, 45 मार्क्स केमिस्ट्री के, 45 फिजिक्स के और 20 मार्क्स इंग्लिश के। टोटल कितने हो गए? 180 मार्क्स हो गए। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश की ज़ाहिर है मेरी अच्छी खासी वीडियोस मौजूद हैं। उन वीडियोस को अगर आप देखेंगे, फिजिक्स की प्लेलिस्ट, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट और इंग्लिश की प्लेलिस्ट, तो उससे कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी नम्स की तो हो जाएगी। नम्स की फीस स्ट्रक्चर वगैरह के हवाले से मैं आपको अलग वीडियो दूंगा, अभी सिर्फ आज मैं इनके टेस्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ। तो मेरे भाई 70 मार्क्स ऑफकोर्स बायोलॉजी की मेजर पोर्शन, इसमें बायोलॉजी का ही आता है, 20 मार्क्स की इंग्लिश। इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है आ खान यूनिवर्सिटी। पहला सेक्शन इसमें इंग्लिश का होता है 1 आवर का, जिसमें 60 MCQs होती हैं। और इस इंग्लिश के सेक्शन के अंदर भी 5 सेक्शन है, सेंटेंस करेक्शन भी है, एंटोनिम भी है, साइनोनिम भी है, सेंटेंस करेक्शन भी है और अच्छा खासा हार्ड होता है। याद रहे इंग्लिश का टेस्ट किन किन यूनिवर्सिटी का हार्ड होता है? आ खान यूनिवर्सिटी हो गई, IB हो गई, इन दो की इंग्लिश काफ़ी हार्ड है। बाकी जो सेकेंड सेक्शन है उसके फिर 5 सेक्शन है, जिसमें से एक सेक्शन है बायोलॉजी जो कि सिर्फ 20 मार्क्स की है। केमिस्ट्री के मार्क्स भी 20 हैं, फिजिक्स के मार्क्स भी 20 हैं। इंग्लिश के सेक्शन के लिए 1 आवर थे, इन पांचों सेक्शंस के लिए 2 आवर 15 मिनट मिला के होते हैं। 30 मार्क्स होते हैं साइंस रीजनिंग के, जिसमें IQ और साइंस रीजनिंग के सवाल आते हैं साइंटिफिक रीजन। IQ के सेक्शन में मेरे आपको IQ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 30 मार्क्स की मैथ्स आती है, जो पहले तो सिर्फ जनरल मैथ्स होती थी, अब कुछ इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक भी आने लगे हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन वगैरह। तो ट्रिग्नोमेट्री की मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जो आ खान यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। मार्च अप्रैल में इनकी अप्लीकेशन जाती है, जून में टेस्ट होता है, सितंबर में इसका इंटरव्यू होता है, क्लासे नॉर्मली दिसंबर से शुरू होती हैं। 120 मार्क्स और 60 मार्क्स, 180 मार्क्स का ये भी पेपर बन जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आ खान यूनिवर्सिटी और काफ़ी वैल्यूएबल भी है, काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड का इनका MBBS। और अगर हम सिंध के तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, चाहे वो DUHS हो, JSMU हो, KMDC हो, तो अब इन सब का तो एक फिक्स ही पैटर्न चलता है मेरे भाई। बायोलॉजी 30 मार्क्स की है, केमिस्ट्री 30 की है, फिजिक्स 30 की है, इंग्लिश 10 की है। तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी यही पैटर्न लागू था, जितने सिंध के थे सेम डेट टेस्ट हुआ था। अब फिलहाल तो ये पैटर्न हो सकता है, अगले साल ये कुछ और कर दें, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हो सकता है, अगर कुछ होगा तो मैं आपको इसके हवाले से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो नम्स यूनिवर्सिटी और आ खान यूनिवर्सिटी के बैजेस भी मेरे पास चल रहे हैं, अगर किसी को इसकी प्रिपरेशन करनी हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। खासकर ये भी होता है कि भाई आपने कहीं प्रिपरेशन की है लेकिन साइंस रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन आपकी सही प्रिपरेशन नहीं हुई थी आ खान यूनिवर्सिटी के लिहाज से, तो आप किसी सेक्शन की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। मैं अपना कॉन्टैक्ट दे दूंगा साथ ही, जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ मटेरियल से हवाले से रिक्वायरमेंट हो इनसे रिलेटेड बुक्स की, तो उसके लिए भी आप मुझसे रुजू कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।